और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, क्योंकि संदेश खाली में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा और बंगाल सरकार ने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। अब इसी तरह का मामला पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से सामने आ रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता की खबर सामने आई है। उसने जब सवाल उठाए तो उसको सुनने वाला वहां पर कोई नहीं है, उल्टा इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। इस पर आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। बिल्कुल, तो मर्यादा तार तार होती एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में दिखाई दी है। ग्राफिक्स के जरिए ज्यादा जानकारी आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल में मर्यादा फिर तार तार, क्योंकि पश्चिम बंगाल में फिर बीजेपी वर्सेस टीएमसी देखने को मिला है। ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? कूच बिहार में टीएमसी नेताओं पर गंभीर आरोप है। आरोप है कि बीजेपी नेता से यहाँ पर बदसलूकी की गई है। महिला नेता ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। बीजेपी नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली है और महिला नेता के साथ बदसलूकी की गई है, यह आरोप है। एनएचआरसी, एनसीडब्ल्यू, एनसीएम से शिकायत की गई है, सीबीआई जांच की मांग है। आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बंगाल पुलिस पर भी संगीन आरोप है कि अब तक कोई एक्शन इस पूरे मामले पर नहीं लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। कभी अपनी अलग सभ्यता संस्कृति के जरिए पूरी दुनिया में अलग पहचान रखने वाला पश्चिम बंगाल बीते कुछ सालों से लगातार गलत वजहों से ही सुर्खियों में रहा है। खासकर संदेश खाली की घटना के सामने आने के बाद बंगाल को लेकर लोगों की सोच काफी हद तक प्रभावित हुई है। लेकिन अभी लोग संदेश खाली की घटना को भूले भी नहीं कि अब बंगाल के कुछ बिहार में एक ऐसे ही वारदात की खबर सामने आई है। आरोप है कि वहां बीजेपी के एक महिला नेता के साथ टीएमसी के कुछ नेताओं ने पहले जमकर बदसलूकी की और फिर उनके साथ मारपीट की गई। कि एक महिला, एक माँ, एक बहन बंगाल के, उनको विवस्त्र करके वोट के पर्वती में उनके घर में जाके उनको विवस्त्र करके उनको सारा गांव में घुमाया गया है। आज वो शॉक में है, ट्रॉमा में है और उनका जो वायरल जो वीडियो है वो वायरल कर दिया गया और पुलिस इसको बोल रहे कि वो पारिवारिक दंड विवाद से हुआ है। आरोप संगीन है तो हंगामा होना भी तय है। सच क्या है और झूठ क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। लेकिन मामला इतना ही नहीं, इस केस में हैरान करने वाली बात ये है कि एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता जहां अपने अल्पसंख्यक मोर्चा की महिला नेता के साथ हुई इस गंभीर वारदात को लेकर सदमे और गुस्से में है, तो वहीं इस घटना की जानकारी कुछ बिहार पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भी दी गई है। लेकिन हैरानी ये है कि एक तरफ जहां पीड़ित बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के घायल नेता का अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं बंगाल पुलिस ने इस मामले में अब तक किसी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि राजनीति का आलम यह है कि बजाय इस घटना की निंदा की जाती टीएमसी नेता उल्टा आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी का पुलिस, ममता बनर्जी जैसा अगर महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो कोई इसमें कोई कार्रवाई नहीं होता है और ऐसा ही चलता है। आगे में भी हम लोग देखे हैं हर्षखली का जो बच्चा का हुआ था गणधर्षण, ऐसा ही हुआ। तो हम लोग को पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। आज शाम तक विमेंस कमीशन का टीम आ रहे और हम केंद्र सरकार को बोलेंगे हमको सीबीआई चाहिए, हमको सजा चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए। आपको बता दें ये घटना कूच बिहार जिले के माथाभंगा के रामठेंगा बाजार में हुई है। बताया जा रहा है कि मामले में जहां आरोपी की पहुंच सीधे सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्ष नेताओं तक है, तो वही बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता की बातों को पुलिस प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है। जाहिर है मामला संगीन है, माहौल तनावपूर्ण और कार्रवाई शून्य है। ऐसे में यहाँ के लोग भी इंतजार में हैं कि खुलेआम गुंडागर्दी की इस घटना में पुलिस यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है या फिर प्रशासन इस अंधेर गर्मी पर अपना मौन तोड़ता है।